शहर की सड़कें डेंजर जोन ना बन जाएं, इसलिए प्रशासन सड़क पर कब्जा कर दुकान लगाने वालों के लिए वेंडर जोन बना रहा है। इससे सड़कों पर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में उपजिलाधिकारी रविन बिस्ट ने ठेला फड़ व्यवसायियों को पुरानी तहसील कैंपस में अस्थायी तौर पर वेंडर जोन की व्यवस्था की है। दरअसल खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर फड़ व्यवसायी बेतरतीब ढंग से ठेले लगा देते थे, जिससे शहर में हर रोज जाम की स्थिति बनती थी, जिसको देखते हुए उपजिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अस्थायी वेंडर जोन की व्यवस्था की, जिससे फल व्यवसायियों को बार बार हटाने की परेशानी से छुटकारा तो मिलेगा, साथ में शहर में जाम की स्थिति से निजात मिलेगी और शहर की सड़कें भी डेंजर जोन बनने से बचेंगी। ये जो हमारे खरंजा मार्केट में, आज़ाद मार्केट में और जो बेतरतीब हमारे जो नगर पालिका क्षेत्र में जो बेतरतीब रूप से ठेले फड़ वगैरह लगे हुए हैं, इससे हमारे यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा होती है और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। लिहाजा क्योंकि अभी इनका कोई वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं है, अभी हमने अस्थायी रूप से पुरानी तहसील में इनको वेंडिंग जोन दिया है। जो भी यहाँ पर लाइसेंस जारी जिनका रजिस्ट्रेशन हमारी नगर पालिका में है फड़ वालों का, उनको हम यहाँ पर जगह दे रहे हैं, वो यहाँ पर ही फड़ लगाएंगे ताकि वहाँ पर हमारा यातायात की सुविधा बरकरार रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।